हाँ क्लोइर सही भाई। है जी। हाँ और जी स्टार्टिंग में ही बता देना चाहते हैं भाई, ये भैंस सेल के लिए अवेलेबल अवेलेबल। है। हाँ जी, कितना समय पड़ा भाई? 10 दिन पड़े हैं। 10 दिन पड़े हुए हैं। हाँ जी और दूध कितना दे देगी भाई? भाई साहब दूध देगी 17 लीटर। 17 लीटर दोनों समय। हाँ जी अच्छी खासी भैंस है ना। हाँ पिट जी पूरा बहुत बहुत। शानदार, पिठ पीछे से बात करें चौड़ाई बहुत है, हाँ जी कद काठ रुकने का स्टाइल, गर्दन की लंबाई बहुत ब्यांत में शानदार भी है भाई साहब। दूसरे ब्यांत में भी, दूसरे ब्यांत में भाई, कद काठ तो इतना के शानदार के कह नहीं गया। हाँ जी इससे पहले वाली वीडियो में भी मेरे हिसाब से हम लोगों ने एक हूबहू ऐसी भैंस दिखाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। सही है जी। हाँ जी गगन जी कितने की दूध क्षमता वाली रहेगी भाई भाई? साहब 18 लीटर वाली है ये। 18 लीटर। हाँ जी। और बच्चा है इसका कटड़ा? कटड़ा जी। क्या दाम कर रहे हो गगन भाई? भाई और साहब सींग श्रृंगार की बहुत प्यारी है जी। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब पहले ब्यांत में 2 दांत में, 2 ही दांत और पहला ब्यांत। हाँ जी। ब्याने वाली है अभी? नहीं नहीं बच्चा जी को 3-4 दिन हो गए। अच्छा 3-4 दिन की ब्याई हुई है। और भाई बच्चा क्या है जी इसका? मेल काफ है। मेल काफ, कटड़ा इसके पीछे है दोस्तों। और दूध क्षमता भाई कितने की वाली रहेगी? दूध क्षमता दे देगी 10, 10.5-11 लीटर के करीब। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूँ जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जी। प्रेमी डेयरी फार्म की फिर से आज की अपनी विजिट है जी। गगन भाई के घर पर आज दोबारा पहुंचे हुए हैं। प्रॉपर एड्रेस गांव राजपुरा माजरा, तहसील मंडी डबवाली और डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा के एरिया जी। पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर बिल्कुल भाई के यहाँ बगल में रह गया जी। और रूटीन में वीडियोज़ अपने चैनल पर आप लोग देखते रहते हो। आज फिर से हर दिन की तरह 18 भैंसे यहाँ से लोड होकर जाएंगी जी कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए। कस्टमर भाई वहाँ से आए हुए हैं, आप लोग सामने दर्शन कर सकते हो जी। ओवरऑल बात करूँ तो हर समय सेल के लिए अवेलेबल गाय और भैंसे भी रहती हैं। उसी तरह से आज 8-10 पशु सेल के लिए रहेंगे। कुछ भैंसे अभी पहुँच चुकी हैं, कुछ अभी पहुँचने वाली बाकी हैं। आगे की डिटेल बातचीत करते हैं गगन जी के साथ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो गगन भाई? बहुत बढ़िया ही, कृपा। बढ़िया चाहिए। काम काज, घर परिवार? बहुत बढ़िया ही। अच्छी बात है। हर बार की तरह सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे प्रॉपर यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर से। प्रॉपर एड्रेस विलेज रायपुरा मायरा, नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा। पंजाब और राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है जी, और हरियाणा में हम रहते हैं जी। सही है। कॉन्टैक्ट नंबर जी? कॉन्टैक्ट नंबर 9466028782। सही है। हाँ जी। तो गगन जी रूटीन में वीडियोस बनाते रहते हैं ना जी। हाँ जी। 3-4 दिन गुजरे और आज दोबारा फिर से मैं आपके पास आ गया। आज जो कस्टमर आए हैं ये पहली बार आए जब पहले भी आते हैं भाई? नहीं पहली बार आए हैं जी। पहली बार? हाँ जी। नए कस्टमर? बिल्कुल। कितने दिन से इधर हैं? इनको हो गए 5 दिन हो गए। 5 दिन में भैंसे कितनी खरीदी टोटल इन्होंने जी? भैंसे इन्होंने 16 ले लिया। हाँ जी। एक दो रहती है वो अभी चल रहा है काम। अच्छा। हाँ जी भैंस आ भी रही है और भोपाल के कुछ आए हुए हैं। अच्छा जी। और अमृतसर के लिए भी है। बढ़िया बात है जी। तो गगन जी उसमें एक ही बात पूछूंगा, आपके पास ना हर समय सेल के लिए अवेलेबल पशु घर पर भी रहते हैं? बिल्कुल जी। और गाय भी रहती हैं? हाँ, भैंसे भी रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 16 में से घर से कितनी भैंसे दी हैं भाइयों को? घर से हमने इनको 3 ही भैंसे दी है। 3 ही भैंसे? हाँ जी। क्या कारण जी उसका? जो पसंदीदा जानवर है इनको आगे के लिए थोड़ा लंबे टाइम में पहले और दूसरे ब्यांत का चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का वैसे भी इनका कोल्हापुर का 1800-1900 किलोमीटर के है। जो छोटे और बढ़िया बॉडी स्ट्रक्चर की जुटिया है पहले दूसरे में वही टिक पाती है। और उन्होंने ये किसान लोग हैं, ऐसा तो नहीं है आज लेके जा रहे हैं कल को फिर आ जाएंगे। हाँ जी। अब जाएंगे क्या पता 10 साल बाद, 15 साल बाद या 5 साल बाद कब आते हैं। सही है जी। लेकिन पशु तो ऐसा परचेजिंग किया जाए ना जो वहाँ पर रुके जाके, ठीक है। बड़े ब्यांत का पशु है वो हमारे को भी पता है, प्रॉब्लम आती है रस्ते में, नुकसान हो जाता है। तो इनका भी कुछ गाइड था कि हमने पहले और दूसरे ब्यांत के लेना है, और कुछ हमने भी ऐसा ही गाइड किया, हमने एक ही भैंस लिए 3rd ब्यांत में, बाकी सभी का सभी पशु है जो पहले और 2rd ब्यांत में। बढ़िया बात है जी। हाँ जी। तो गगन जी ओवरऑल भाई दूध की और दाम की एवरेज इनकी क्या पड़ी है जी? दाम की एवरेज करें तो 75,000 से शुरू है जी, और 1,10,000 तक है इनका। अगर टोटल करें तो सभी भैंसों का लगभग 90-95 हज़ार तक बैठेगा जी। 90-95 की एवरेज पड़ी? बिल्कुल जी। और उसके साथ में दूध की अगर एवरेज की बात की जाए तो भाई दूध की एवरेज इधर से निकालने वाला तो 10-11 लीटर भी है, लेकिन पहले ब्यांत में 8 लीटर भी बोल के दिया। 1-2 पशु ऐसे हैं जो आपको दिखा भी देंगे चला के, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 लीटर की, जैसे आप ये नगीना देख रहे हो, साथ वाली देख रहे हो, अंदर भी 2-3 बड़े बढ़िया जुटिया है दूसरे ब्यांत में जो 15-16 लीटर की है जी। आज सेल के लिए अवेलेबल कितने पशु रहेंगे? सेल के लिए हमारे पास 12-13 भैंसे हैं और 2-3 गायें हैं जी।
सही है जी। हाँ जी, गाय क्रॉस ब्रीड में आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, और भैंसों की साहीवाल क्रॉस में है, थोड़ा सा गिर में क्रॉस है, बाकी भैंसे दो नीली रावी है और बाकी मुर्रा की है जी। आज के दिनों की बात करूं, ज्यादा बेचने के लिए लाभ या भैंसे रहे हो और कस्टमर भी ज्यादा भैंसों का आपके पास? बिल्कुल जी बिल्कुल, जिस हिसाब से जैसे ये भाई लोग आए हैं, 5 दिन हो गए हमारे से पसंदीदा था इनके सामने, हमने अपने घर से बाहर भी सेल किया है। हाँ, इनको नहीं पसंद आया, अदर पार्टी के जो आगरा के आए थे वो हमारे से लेके गए, किसी और के पास आए थे, लेकिन हमारे घर से इनको कम पसंद आया। हमने बाजार भी देखे हैं, हरियाणा का बाजार भी देखा और राजस्थान का बाजार भी देखा, पंजाब में लगते हुए कल हमने 3 बार गाड़ी हरियाणा पंजाब राजस्थान से गुजार दी थी। इनको इनमें इतने में संतुष्टि होगी हमारे को बॉर्डर देखने का मिला, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसी एक स्टेट है जो सिर्फ 1-2 स्टेट के साथ लगती है। इनका ऐसे अभी 5 दिन का यहाँ पर रुकने का जो प्रबंध था उसमें से इनको बहुत बड़ा ज्ञान मिला जी, और खाने खिलाने का भी 1 नंबर का काम है जो आने वाले में आपको बता देंगे थोड़ा सा ही। तो फिर पहले इन्हीं को बुलाते हैं, इन्हीं का एक्सपीरियंस जानते हैं, आगे एक एक करके पशु चलते हैं। हाँ जी, सही है। नमस्कार जी सभी भाइयों को। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार अंकल जी, माइक आपके पास है तो आप ही से बातचीत करूंगा। क्या शुभ नाम है जी अपना? शुभ नाम क्या है जी अपना? अनिल आनंदा नल्लोड़ी। कहाँ के प्रॉपर रहने वाले? भमटे कोल्हापुर। ओके जी, और बात करूं पहली बार इधर गगन जी के पास आए? पहली बार गगन जी के पास आए। कितने आदमी आए एक ही गांव से? ओ 13 आदमी। 13 आदमी। हाँ। 5 दिन से इधर हो? 5 दिन से गगन जी से घर में घरात रह लो गगन जी से। अच्छा जी, तो 13 आदमियों के रहने बहने की व्यवस्था मिल जाती है? चांगली अच्छे के लिए जीवन भी होना अच्छा है, पेट भर के जीवन, घूमने फिरने के गगन जी ने बहुत बढ़िया बड़ी मेहनत की है। चलो अच्छी बात है जी। और भाई का स्वभाव कैसा है पहले नंबर पर तो यही बताइए मेरे को। मछली का भाव? हाँ जी, भाई का स्वभाव कैसा है? गगन जी का स्वभाव अच्छा है, बढ़िया बजे भरे। कोल्हापुर में हमारा लोग रहता है ना, ऐसा ऐसा बोलने चलने ऐसे रहता है। अब इससे आगे वाली बात करूंगा जी, आप लोग 5 दिन से इधर हो, 3 भैंसे भाई ने आपको अपने घर से दी, बाकी बाहर से दिलवाई। जो भैंसे बाहर से खरीदी उन्हीं के बारे में पहले बातचीत करूंगा। दाम खुद से लगाते थे या आप जितना बताते थे उतने में दिलवाई? हाँ, हमें जो कीमत बोल लो गगन गगन शेठ का, गगन शेठ आम्ही जी किंमत बोलले त्या किमतीला आम्हाला गगन शेठ ने मस दिलेले पशु दिलेला आहे। अच्छा, अभी आप हिंदी में बात कर सकते हो? नहीं हिंदी नहीं, हिंदी वो करता है। चलो ये भाई से बात करूंगा। कैसे ब्रदर? हाँ अच्छा जी, बढ़िया। क्या शुभ नाम है अपना? कार्तिक पाटिल। ओके, तो जो हम लोग अभी दाम के बारे में बात कर रहे थे, जैसे बाहर घूमकर आप लोगों ने भैंसे खरीदी, 13 भैंसे आप लोगों ने बाहर से खरीदी। हाँ जी। तो दाम वगैरह कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से भी लगा देते थे या जैसा खुद आपसे पूछकर वैसा ही होता था? क्या होता था, जो पशु अभी पसंद आता था वो हम अपना भाव आप गगन जी से बोलते थे, गगन जी आप वो भाव में कम ज्यादा करके हमको दे देते थे। भी अपनी मर्जी से? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से, हम जो बोलते थे उसमें कम ज्यादा करके। और अच्छा, भी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ? हाँ, हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग। जो सौदा करते वक्त पारदर्शी तरीके से किया गया, आपके सामने किया गया, ये तो नहीं कि कभी खींच कर उसको इधर ले गए, आपको खींच कर इधर ले गए? नहीं नहीं नहीं, जो कुछ हुआ हमारे सामने हुआ, आपके बिल्कुल सामने। हाँ, चलो बढ़िया बात है जी। तो दूसरे नंबर पर आप 5-6 दिन से इधर रहे, रहने बहने की व्यवस्था बढ़िया रही? रहने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, खाने की तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया बात है जी। हाँ। और उसके बाद में जो सबसे खास बात आ गई, वीडियो बनाने का जो मकसद है, आपको देखकर आपके बहुत भाइयों ने इधर आना है। हाँ। क्योंकि आप भी पहले वीडियो देखकर इधर आए होंगे, है ना जी? तो उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे भाई के काम के बारे में? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हम जैसे हम पहली बार यहाँ आए, हम सब किसान किसान के घर किसान घर के। हाँ जी हाँ जी। तो मैं पहली बार आने वाले और आने वाले को लोगों के इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ गगन जी के पास बिल्कुल आइए, क्योंकि इनका जो स्वभाव है, इनका वो जो खरीदी करने का वो जो तरीका है वो सबसे सबसे अच्छा है। और नए वाले नए लोगों के हमको भैंसों का ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो उन्होंने जो हमको भैंसे चुन चुन कर जीती तो हम हमारा मन भाग गया। तो मैं इन लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि जरूर गगन जी के पास आ जाइए, बेफिक्र होकर आ जाइए। हाँ, बेफिक्र होकर आ जाइए। ओके जी, उम्मीद यही करता हूँ कि आप सभी भाइयों के साथ दोबारा फिर से जब भी आपको पशुओं की जरूरत पड़े तो हमारी मुलाकात यहीं पर हो। बहुत अच्छा लगा आप सभी भाइयों के साथ बातचीत करके। नमस्कार।
हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफ़ी होगी, कस्टमर का रिव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों ने जान लिया। अब इससे आगे जो सेल के लिए अवेलेबल पशु हैं, पहले वो आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। पहले नंबर पर गिर क्रॉस ब्रीड की एक गाय, ताजी ब्याई हुई गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है। गगन जी डिटेल बताते जाइए जी। भाई साहब दूसरे ब्यांत में बच्चा दिया है, दूसरे ब्यांत में। कब की ब्याई है भाई साहब? भाई साहब तीसरा ही दिन आज। तीसरा दिन ब्याई को बच्चा क्या जी? बच्चा फीमेल काफ है जी। फीमेल काफ बछड़ी है जी, सही है जी। हाँ जी। और भाई निकालने वाला दूध कितना दे देगी इस बार? भाई साहब अभी जो दूध निकल रहा है ना, हाँ जी, 14-14.5 लीटर के करीब निकल रहा है। खीस अभी तो बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और भाई कितने दूध पर चली जाएगी? भाई साहब 17-18 लीटर दूध तक जाएगी। 17-18 लीटर दूध रहेगा निकलने वाला। हाँ जी, सही है जी। हाँ जी। और फैट भी बहुत अच्छी इनकी आती है ना? बिल्कुल जी। और प्योर गिर तो नहीं बोलेंगे, थोड़ी बहुत क्रॉसिंग है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, क्रॉस की है वो दिख ही रही है भैया। सही है जी, जो चीज है। और भाई क्या दाम कर रहे हो जी इसका? दाम इसका 65,000 रुपये है भाई। 65,000, 65,000 दाम। और भाई स्वभाव कैसा है जी? बिल्कुल शांत स्वभाव के, वो आप देख ही रहे हो। थोड़ा सा मैं हाथ भी घुमा के दिखा सकता हूँ आपको। कोई उसमें दिक्कत परेशानी वाली नहीं? कोई परेशानी नहीं है भाई। ओके जी, ले आइए जी, बांधिए। इसे आगे दूसरी गाय लेकर आइए। इससे आगे दोस्तों दूसरे नंबर पर एक और ये भैंस आप लोगों के सामने आ गई जी। नीली रावी ब्रीड और ऊंचा कदकाठ, दिखने परखने में बहुत खूबसूरत क्वालिटी। गगन जी क्या डिटेल है जी? भाई साहब तीसरे ब्यांत में बच्चा देना, अभी तीसरे ब्यांत में अभी ब्याने वाली है। हाँ, सही भाई। है जी? हाँ जी। और स्टार्टिंग में बता देना चाहते हैं भाई ये भैंस सेल के लिए अवेलेबल है। हाँ जी। कितना समय पड़ा भाई? 10 दिन पड़े हैं। 10 दिन पड़े हुए हैं। हाँ जी। और दूध कितना दे देगी भाई? भाई साहब दूध देगी 17 लीटर। 17 लीटर दोनों समय। हाँ जी। अच्छी खासी भैंस है ना? हाँ जी, पूरा शानदार। पिठ पीछे से बात करें, चौड़ाई बहुत है। हाँ जी। कद काठ रुकने का स्टाइल, गर्दन की लंबाई बहुत शानदार। रेयर में यही नीली रवि है। सही है। गगन जी क्या दाम भाई इसका कर रहे हो? इसका 95 भाई। 95,000, 95,000 दोस्तों दाम रखा गया जी। भैंस की क्वालिटी एक बार फिर से अच्छे तरीके से जजमेंट कर सकते हो। लंबाई, हाइट, वेट सब कुछ बहुत अच्छा, और अडर की शेप, आंचलों का साइज बहुत अच्छा है। दाम रखा गया जी 95,000। और कांटेक्ट नंबर भाई का आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। जो भी भाई बातचीत करना चाहता है तो फ़ोन उठाइए, भाई के साथ बातचीत कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से सुविधा, लेकिन अगर इधर आकर खरीदोगे तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बात है। इसे आगे तीसरी भैंस लेकर आइए। इसे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और भैंस आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। पहले कद काठ और रंग रूप भैंस की क्वालिटी देख लीजिए भाई, चलाते रहिए। ब्याई हुई है, ताजी, बच्चा है जी साथ में, कटड़ा। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब रात को बच्चा दिया है। रात को बच्चा दिया भाई? कौन से ब्यांत में ब्याई है भाई साहब? दूसरे ब्यांत में। दूसरे ब्यांत में भाई, कद काठ तो इतना शानदार के कह नहीं गया। इससे पहले वाली वीडियो में भी मेरे हिसाब से हम लोगों ने एक हूबहू ऐसी भैंस दिखाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है जी। हाँ जी। गगन जी कितने की दूध क्षमता वाली रहेगी भाई? साहब 18 लीटर वाली है। 18 लीटर। हाँ जी। और बच्चा है इसका? कटड़ा। कटड़ा जी। क्या दाम कर रहे हो गगन भाई? भाई साहब 1,30,000 रुपये। 1,30,000 दोस्तों दाम रखा गया जी। क्वालिटी है आप लोगों के सामने, दिखने परखने में बहुत खास, बहुत खूबसूरत भैंस। 1,30,000 में से मान सम्मान गगन भाई 1,25,000 की दे देंगे भाई। 1,25,000, 1,25,000 की यस नो, 1,25,000 दोस्तों दाम भाई कर रहे हैं। दूध कितना बताया था जी? 18 लीटर निकाले। 18 लीटर दूध। और कद काठ, पिट पुड़ा, अडर की शेप बहुत शानदार भाई साहब। कच्चा दूध आज सुबह निकला 4.5 लीटर इसका। अच्छा जी। हाँ, अभी थोड़ा लवान में जो टस थी वो खत्म हुई है। हाँ जी। लेकिन रात तो बैठा नहीं जा रहा था जब जनी थी। ये बाकी गगन जी इसमें कोई दो राय नहीं, बताने की ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं, भैंस की क्वालिटी बताती है कि दूध वाली है ना जी? जी। ओके जी, ले आइए भाई, बांधिए। इसे आगे एक और ले आइए। इसे आगे चौथे नंबर पर दोस्तों एक और ये बहुत शानदार जोटी, मैं तो इसे बोलूंगा, आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। पहले रंग रूप, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी क्वालिटी देख लीजिए। पिट पुड़ा बहुत शानदार और सींग श्रृंगार की बहुत प्यारी है जी। गगन जी क्या डिटेल है भाई? भाई साहब पहले ब्यांत में दो दांत में, दो ही दांत और पहला ब्यांत। हाँ जी। ब्याने वाली है अभी? नहीं नहीं, बच्चा दी को 3-4 दिन हो गए। अच्छा, 3-4 दिन की ब्याई हुई है। और भाई बच्चा क्या है जी इसका? मेल काफ है। मेल काफ, कटड़ा इसके पीछे है दोस्तों। और दूध क्षमता भाई कितने की वाली रहेगी? दूध क्षमता दे देगी 10-10.5-11 लीटर के करीब भाई। 10-11 लीटर दोनों समय का। हाँ जी। और ये भी सेल के लिए है? हाँ जी, हाँ जी। क्या दाम भाई इसका? इसका 85 भाई। 85, 85,000। ओके जी।
इससे आगे दोस्तों जो भी पशु आप लोगों को दिखाए जाएंगे वो सभी के सभी यहाँ से सेल होकर जा रहे हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र के लिए। पहली जोटी उनमें से आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। एक बार पिटपुड़ा रंग रूप और क्वालिटी और खूबसूरती आप लोग देखिए कितनी है। गगन जी क्या डिटेल है भाई इसकी? भाई साहब पहले ब्यांत में, पहले ब्यांत में, हाँ जी, दो दांत अभी पूरे किए हैं मुंह से, प्रॉपर दो दांत अभी हुई है। हाँ जी। और कितना समय हो गया जी ब्याई को? ब्याई को आज 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन हो गए ब्याई को। और बच्चा कटड़ी है जी? कटड़ा है जी। कटड़ा। हाँ जी। मिल्काफ। हाँ जी। और दूध कितना भाई निकाल कर खरीदी है भाई? दूध अभी 10.5-11 लीटर निकला जी। 10.5-11 लीटर अभी से है। हाँ भाई क्वालिटी बहुत शानदार मेरे को तो लग रही है, बिल्कुल एकदम फिट बॉडी जैसी है ना जी। और कितने दाम में दिए भाई? 1,10,000 में दिए। 1,10,000 में दी गई है। और सीधे शब्दों में बात करूं तो आगे आने वाले ब्यांतों में इसका दूध भी बढ़ना है और इसका दाम भी बढ़ना है। बिल्कुल सही है जी। बिल्कुल ले आइए भाई, बांधिए इसे आगे, दूसरी भैंस ले आइए। इससे आगे दोस्तों दूसरे नंबर पर एक और सेल हुई जोटी आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। क्वालिटी इसकी भी देख लीजिए, दिखने परखने में ये भी बहुत खूबसूरत है। बस एक ही बात है कि ये नहलाने धुलाने वाली है। एक तो थोड़ा मौसम वैसा, एक ताजी ब्याई हुई है और तीसरी बात जाना है इसने सफर में। हाँ जी। क्वालिटी देखते जाइए गगन जी क्या डिटेल है जी? भाई साहब पहले ब्यांत में दो ही दांत में, ये भी दो ही दांत ये है जी। और ब्यांत इसका भी पहले ही, पहले ही है जी। गगन जी बहुत शानदार क्वालिटी इसकी है, बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल। कब की ब्याई है जी? बच्चा दिए है 10 दिन हो गई। 10 दिन की ब्याई है। और दूध निकालने वाला कितना? निकालने वाला 9.5 लीटर है। 9.5-10 लीटर के, 9.5-10 लीटर अभी दोनों समय का रहेगी। हाँ जी। हाँ जी। जाएगी 12 तक आराम से, चली जाएगी आराम से, आराम से। बाकी क्या है क्वालिटी भी बताती है भाई, है ना? बिल्कुल भैया, जैसे पहले वाली जो जोटी थी ना मेरे को क्वालिटी वैसी लग रही है। बिल्कुल जी। ऑर्डर उससे 21 है, 19 नहीं है। क्वालिटी में सबकी सब भैया एक से बढ़कर एक है, ठीक है। जानवर क्वालिटी वाला जाएगा आगे टिकेगा, फिर ही आगे देखने वाले दूसरे को संतुष्टि होती है, वो आगे बढ़ता जाता है कारनामा। और है। ऐसे नहीं है कि यहाँ से जानवर गलत चला जाए, उसको देखो जो दूसरे लोग देखेंगे, किसान देखेगा, वो ऐसा नहीं है कि इधर आने का सोचेंगे, सही है। वो उधर से सोचेंगे हम कम ज्यादा करके इधर से अपना परचेज करें। जानवर एक नंबर है क्वालिटी आगे से लेके पीछे तक ही। 1,00,000 रुपये में दी गई नेट। 1,00,000। हाँ जी। ओके ले आइए भाई, बांधिए इसे आगे, तीसरी भैंस ले आइए। इसे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और हूबहू वैसी जोटी आप लोगों के सामने आ चुकी है जैसी आप लोगों ने पहले और दूसरे नंबर पर देखी। गगन जी क्या डिटेल है जी? भाई साहब पहले ब्यांत में और अभी बच्ची है, खीरी है भाई साहब अभी। मुंह से दूध के दांत, खीरी और गिनती के मेरे हिसाब से कोई 5-7 बाल हो सकते हैं सफेद। बिल्कुल। ओवरऑल बिल्कुल जेड ब्लैक, बच्चे का थोड़ा कर रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। कब की ब्याई है जी? भाई साहब 10 दिन की ब्याई है। 10 दिन की ब्याई। और बच्चा क्या है जी? मेल, फीमेल काफ है, कटड़ी है। कटड़ी है जी। हाँ जी। कितने की दूध वाली है भाई? भाई साहब निकालने वाला दूध है 11 लीटर कुलवीर भाई। अच्छा जी। हाँ फिर तो 13 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब। बिल्कुल भाई, जितनी छोटा सा क्वालिटी में उतना ज्यादा दूध है। और आगे के लिए इन्होंने वो देख पर के लिए भाई से, एक नहीं है लंबे समय के लिए। हाँ जी। एक नहीं है, दो है। पीछे जो इसकी बेटी है वो इससे भी बढ़िया। अच्छा जी। हाँ जी। बढ़िया बात है जी। हाँ जी। और कितने दाम में ये दी गई? ये भी 1,00,000 के करीब तक दी गई है नेट। 1,00,000 के, कहने का मतलब हम लोगों ने जैसे एवरेज की बात करी थी वो 90-95 की ही पड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ महंगी होगी कुछ सस्ती होगी। हाँ जी। ओके ले आइए भाई, बांधिए एक और ले आइए इसे। इससे आगे दोस्तों चौथे नंबर पर एक और मुरा ब्रीड का ये हीरा ही मैं तो बोलूंगा आप लोगों के सामने आ गया जी। जैसे जैसे एक एक करके भैंसे सामने आती है ना जी, तब इनकी क्वालिटी का पता चलता है कि कैसी कैसी क्वालिटी आज गगन भाई भेज रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। बहुत भारी भरकम वजन, कद काठ बहुत अच्छा और एकदम फिट बॉडी। गगन जी क्या डिटेल है जी? भाई साहब पहले ब्यांत में। अच्छा पहले ब्यांत में ये? हाँ जी भाई। कद काठ बहुत शानदार। बिल्कुल जी। और कितने दिन की ब्याई हुई है जी? आज 4th दिन है। चौथे दिन की ब्याई। और बच्चा है कटड़ा? कटड़ा जी। कितने दूध क्षमता वाली है जी? 8-8.5 लीटर निकल रहा है जी। अच्छा जी। बाकी देख रेख पे है, खाने खिलाने पे, पशु का जैसा हिसाब रहता है। अभी तोल का भाव करें तो 4 दिन की ब्याई के नीचे ऐसे बोल दूं यार 12 लीटर तैयार है, वो गलत बात हो जाती गलत है। बात। और जो पास बैठे हैं उनको भी शर्मिंदगी महसूस होगी कि निकाला कुछ और बता कुछ रहे हैं। गगन जी उसमें ये है ना जी, अगर आप ऐसी चीजें करने लग गए तो फिर जैसे आज मेला आपके घर पर लगा हुआ है ना जी, फिर ऐसे नहीं लगेगा। बिल्कुल जी। और कितने दाम वाली है भाई? ये 92 की दी। 92 92,000 ले आइए भाई, बांधिए इसे आगे। अंत में एक और भैंस लेकर आइए। इसे आगे अंत में दोस्तों एक और ये पहले ब्यांत वाली जोटी आप लोगों के सामने आ चुकी है। जैसे गगन जी ने स्टार्टिंग में बताया था ना
कि छोटी एज के एनिमल ज़्यादा भाइयों के द्वारा खरीदे गए हैं जी, वैसे ही सभी के सभी आप लोगों को दिखा भी रहे हैं। कदकाठ बहुत शानदार ब्याई हुई है, साथ में बच्चा कटड़ी आप लोग सामने देख रहे हो। गगन जी क्या डिटेल है जी जो टीका सब पहले ही ब्यांत में जी। अच्छा ये भी पहले में। हाँ जी। कब की ब्याई है जी? बच्चा जी को 20 दिन हो गया। अच्छा 20 दिन की। कटड़ी काफ़ी हेल्दी है, है बिल्कुल जी, दूध पियाई। ये कितने दूध वाली है भाई फिर? भाई साहब 12 लीटर दूध तैयार है, पहले ब्यांत में है और बिल्कुल निकाल के लिया, 3 वक्त हो गई। अच्छा कितने दूध पर चली जाएगी? और बस अभी पीक पे चल रही है, 20 दिन की जनी होगी। अब ऐसे बोल दें कि 20 लीटर पर या 12 13 14 15 पर चली जाएगी। हाँ जी। अभी 20 दिन की ब्याई है, मेले का स्टाफ हो चुका है इसका। अच्छा। और जो निकालने वाला दूध है नहीं, वो 10 के प्लस में और 12 लीटर तक दोनों वक्त का मिला के है, कटड़ी कटड़ी को बीच में लेके। और भाई दाम कितने वाली है जी? 80,000 में दी है। 80,000 80,000 में दी गई है। ले आइए भाई, बांधिए। तो गगन जी अब आप आइए कैमरे के सामने, चंद बातें करनी है जी आपके साथ। बिल्कुल जी। ये होगी आज वाली भैंसों की डिटेल, और गाय भी चलाकर दिखा दी जो सेल के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। सही है जी? बिल्कुल जी। तो भाई दीपावली आ रही है। हाँ जी, हाँ कोई ऑफर रखा गया फिर इस बार? बिल्कुल जी। क्या ऑफर रख रहे हो भाई जी? अभी कोई सोचा नहीं? नहीं सोच चल रहा है जी, यही है ऑफर। तो भाई खुद आए, खुद देख के लें। हाँ ऑनलाइन का सिस्टम मत करें, कहीं से भी ले लें, खुद आए अपना अपने हाथ से दूध निकाल के लें तो बढ़िया रहता है, यही ऑफर है। और आगे ऑफर का तो वैसे है भाई, सब रुका हुआ माल है उसके लिए ऑफर होता है। सही बात है जी। मैं भी आपसे यही बात सुनना चाहता था कि जिसका काम चलता है ना उसको ऑफर की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल जी। और इसके लिए ऐसा है जी, अब ये 5 दिन हो गए इनको आए हुए, इनकी संतुष्टि होगी, इनके लिए इससे बड़ा ऑफर क्या होगा। अभी आग इसको इनको यहाँ किसान को आने के बाद संतुष्टि ना हो तो फिर आगे लेके जाए, उसके लिए कुछ हमारे लिए वो कुछ करें, हम उनके लिए करें, उसमें ऑफर का हो जाती है गुंजाइश। अब इनको 5 दिन इधर निकालने के बाद इनके जो पशु चाहिए थे 15-16 पशु, वो इनके परचेज हो चुके हैं। आज अभी गाड़ी का लोडिंग है 2 घंटे बाद, तो इनके लिए यही ऑफर है जी। बढ़िया बात है। अंत में प्रॉपर एड्रेस और फोन नंबर। प्रॉपर एड्रेस ले राजपुरा मायरा नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है जी। 9466028782। धन्यवाद जी, अच्छा लगा बातचीत करके।